हमारी जो है विशेष बातचीत इंटरनेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी के साथ है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। राजकुमार जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। पहले मैं सरकारी विभाग में इंजीनियर था, फिर मेरे दिमाग में आया मैंने VRS लेके वहाँ से कुछ सोशल सेवाएँ की जाएँ, कुछ समाज सेवा की जाएँ, तो मैंने 3 साल पहले ही VRS लेकर मैं इस काम में आया। आप सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकार में होते आपको अच्छी खासी इनकम मिल रही थी, अच्छी खासी इनकम आपको मिल रही थी, उसको छोड़ने के बाद, एक अच्छी खासी सैलरी छोड़ने के बाद आपको पार्टी बनाने का ख्याल कहाँ से आया? मैंने अपने कैरियर में जब तक मुझे सर्विस करनी थी, मुझे लगा कि मुझे आज यहाँ तक मुझे अपने परिवार की सेवा करनी, मेरे बच्चे समर्थ हो गए, वो पूरे परिवार को चला रहे हैं, और मुझे ये था कि मैं समाज की सेवा करूँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर मैं समाज सेवा में आया। पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो गरीब लोगों को उत्थान करना, एक तो गरीबी उन्मूलन का मेन है। सबसे मेन चीज़ ये है, जितने भी हमारे गांव हैं, गांव में हर जगह टॉयलेट होना चाहिए, सीवर लाइन पड़ी होनी चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे आगे पार्टी की तरफ से। इंटरनेशनल पार्टी ने अभी चुनाव, बिहार के जो चुनाव हुए उसमें भी हिस्सा लिया है, तो वहाँ से लोगों को क्या रुझान रहा है? इंटरनेशनल पार्टी का बिहार में हमने 5 जगह से चुनाव लड़ा है, गया, बोधगया, मुकामा और 2 सीट और थी, 5 जगह से हमने चुनाव लड़ा है, वहाँ से हमारा बहुत बढ़िया रुझान रहा है। जैसे हमारी पहली नई पार्टी है, लोगों ने हमारे एजेंडे को बहुत पसंद किया है, तो आगे हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरीके से लोगों से जुड़ेंगे और उनके काम करेंगे। अभी यूपी में जो है सन 2017 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, क्या इंटरनेशनल पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? बिल्कुल जोर शोर से हिस्सा लेगी, और हम अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमारे ये एजेंडा है, तो बिल्कुल हम सबको बताएंगे और जोर शोर से हिस्सा लेगी। पार्टी के मुख्य एजेंडा क्या है, जिन आपकी जो आपने एक धारणा वो बनाया हुआ है, पार्टी का जो मुख्य एजेंडा होता है, जिसे आप रूपरेखा लेके आप चल रहे हैं, वो क्या क्या, थोड़ा बताएंगे आपसे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारे देश में गरीबी है वो more than 50% है। जब तक हम गरीबों को ऊपर नहीं उठाएंगे, उनको काम करने का, सबसे पहले तो उनको काम करने के लिए हमें उनकी कुछ हेल्प करनी होगी, फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी, कुछ भी करना होगा, उसके लिए हमने ये सोचा है, हम भारत सरकार, राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जब तक ये गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं, उनके खाते में डायरेक्टली 5,000 रुपये महीने हर परिवार के खाते में पड़े, जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें, आगे ये चोरी ना कर सकें, बच्चे गलत उसमें ना जाएं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये मुख्य एजेंडा हमारा ये है, जितने बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको हम ये चाहते हैं कि उनको कम से कम 2,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, जब तक उनको सरकार रोजगार मुहैया ना कराए। ये स्त्रियों के लिए या बेटी बचाओ का, जैसा अभी मोदी जी का नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या अपनी पार्टी का भी कोई ऐसा मुद्दा है? देखो जी, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, बेटी भी बेटे के बराबर हैं, उनसे बढ़िया काम करती हैं, और ये जब सब समझ में आ जाएगा, जब सबको रोजगार मिलेगा, लोग बाग अपनी बेटियों को भी बचाएंगे, बेटियों को उनका सम्मान करेंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सबसे पहले हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, रोजगार उसमें पैदा करने है, और गरीबों को हमें ऊपर उठाना है, जो हमारी मेन स्ट्रेंथ गरीबी है। हमारे 50 करोड़ आदमी, इतनी महिलाएं, उनको सिर्फ यही काम है, बस खाना बनाया और अपना बैठ गए सो गए, बस अपना इतना काम है, उनको काम नहीं है। सबसे पहले हमें उन्हें काम देना पड़ेगा, उनके लिए हमें साधन जुटाने पड़ेंगे, आसपास जैसे 5 गांव ब्लॉक के आसपास हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, उसमें उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, तो इस तरह के हमें जब रोजगार मिलेंगे, आदमी सुबह शाम तक 10 घंटे काम करेगा, फालतू की बात नहीं सोचेगा, अपने काम में व्यस्त रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, एक देश हमारा खुशहाल होगा, तो हमें बुनियादी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान। राजकुमार जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने एक राजनीति इंटरनेशनल एक पार्टी बनाई है, तो हो सकता है कि आप पे राजनीति जो और पार्टियाँ हैं उनका भी आप पे कोई दबाव रहा हो? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, हम तो क्या है कि सोशल ज़्यादा हैं, हम पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हमें किसी की बुराई करने से मतलब, हम केवल लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना हम अच्छा करेंगे, तो हमारा कोई ऐसा ना पॉलिटिकल दबाव है और ना हम कोई राजनीति करेंगे। अभी मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी पार्टी क्या कहना चाहेगी?
बुलेट ट्रेन लेके मोदी जी आए हैं, बहुत बढ़िया विचार है उनका, बहुत बढ़िया चीज़ लेके आए हैं मोदी जी। हम ये नहीं कहते, हम किसी की ना आलोचना करते हैं, जो काम बढ़िया करेगा हम उसकी जो है तारीफ करेंगे। दूसरी बात, हमें मोदी जी से बस यही कहना है कि जैसे आप 10 साल में आप अहमदाबाद से मुंबई के लिए ला रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में लाने के लिए तो आपको 100 साल लगेंगे। तो क्या 100 साल तक हम सस्टेन कर पाएंगे? तो हम ऐसी स्कीम बनाएं कि जिससे कि पूरे भारतवर्ष में 10 साल में करो ना आप 9000 किलोमीटर की आप लाइन डाल दो, तो पूरा भारतवर्ष इसके लिए आपका जो आभारी होगा। राजकुमार जी, अब एक चीज और पूछते हैं थोड़ा सा। 25 दिसंबर को जो है आपके इंटरनेशनल पार्टी जंतर मंतर पे कोई धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वो किस चीज को लेके हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए जी, ये जो केजरीवाल साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई थी, इसका नाम आम आदमी पार्टी जी। आम आदमी की समस्याओं को सुनना, आज उन्होंने आम आदमी को दरकिनार कर दिया, वो हो गए खास। उन्होंने ना तो आम आदमी से राय ली ओडीविन नंबर की गाड़ी रोकने के लिए, आज क्या हमारे आदमी रोजगार करने के लिए सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जाएंगे या दूसरी गाड़ी खरीदेंगे? पर्यावरण रोकने की हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, पर्यावरण कम होना चाहिए उसके लिए हम, पर ये नहीं है कि ये गाड़ियों को रोक के असुविधा दे के लोगों को असुविधा प्रदान करके इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गाड़ियाँ रोकनी है, आप रात को ट्रांसपोर्ट की जितनी गाड़ियाँ आती हैं आप उनको बाहर रोकिए ना, और CNG के कैरियर से आप उनको अंदर ले जाइए। ट्रांसपोर्ट का सामान अगर जो आपका 3 दिन भी बाहर पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है उसमें, उसको आप 3 दिन में आप CNG से लेके आओ, आप किसी भी कैरियर से लेके आइए। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है हमारी ट्रांसपोर्ट ट्रकों से हो रहा है, गाड़ियों से इतना प्रदूषण नहीं हो रहा है जिसके लिए इतने चिंतित हैं हमारे केजरीवाल साहब। दूसरी बात, अगर जो आपको गाड़ियाँ रोकनी है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले सुदृढ़ करना होगा, आदमी कैसे जाएगा, नौकरी पर किस तरीके से जाएगा, तो इन नीतियों के विरुद्ध। दूसरी बात क्या है, केजरीवाल साहब ने अपने विधायकों की तनख्वाह 4 गुनी कर दी, स्वागत योग्य है, बहुत बढ़िया बात है, आप 4 गुनी करिए ठीक है, पर जब आप एक आम आदमी हैं और आपके विधायक आम आदमी हैं, तो आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जितने भी कर्मचारी दिल्ली में रह रहे हैं, आप उनकी भी तनख्वाह 4 गुनी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके लिए भी हमारा धरना है, भाई आप उनको भी 4 गुनी दो, हमें क्या दिक्कत है। तो इनकी गलत नीतियों के गलत उनके आधार पे हम जो है वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजकुमार जी, कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है, कितने लोग आपके साथ दे रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में, वहाँ पहुंचेंगे कितने लोग, बता सकते हैं? देखो, हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे, ऐसे पहले से कहना उचित नहीं होगा, तो जब आएंगे जब देख लेंगे, आप भी देख लेना हम भी देख लेंगे। तो भारत की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? भारत की जनता को यही संदेश है कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाओ, सहिष्णुता रहनी चाहिए पूरे देश में, सब एक साथ सब सब मिल के रहो, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और विकास की बात करो। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के साथ। हमारी जो बात खास बातचीत हो रही थी वो राजकुमार जी से हो रही थी, जिन्होंने एक सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद अपनी एक पार्टी बनाई और समाज सेवा करने का एक मुख्य साधन उन्होंने उसे बनाया है, और वो पार्टी के रूप में पार्टी को साथ लेके समाज सेवा अपना करना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनकी पार्टी समाज सेवा करे और आने वाले टाइम में वो बुलंदों को छुए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।